हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्काईलाइन ईपीसी डोर एंड विंडो सिस्टम पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉयलेट की विंडो के बारे में कि किस तरह से ईपीवीसी की विंडो को टॉयलेट में डिजाइन किया जाता है, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग होती है और किस तरह से उसे बनाकर इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो छोटी छोटी जानकारी है वो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। और इस तरह की जानकारी अगर आपको पहले से होगी तो आप अपने घर की विंडो को अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं और उसे लगवा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये टॉयलेट की विंडो की ओपनिंग रेडी है और जितने हिस्से में टाइल लगनी थी उतने हिस्से में अंदर की तरफ टाइल लग चुकी है और बाहर की तरफ पत्थर लगा हुआ है और साइड में प्लास्टर हो रखा है। तो इसी प्लास्टर के ऊपर हमको अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है और अंदर की तरफ से टाइल दिखेगी। सो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो विंडो की फ्रेम रेडी है वो फ्रेम को अच्छी तरह से बिठाया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि ऊपर ओपनिंग ज़्यादा होती है, नीचे कम होती है, सो हम फिक्स साइज़ की विंडो बनाते हैं ताकि अच्छे से वो फिक्स हो जाए और जो अंदर और बाहर को ज़्यादा गैप ना दिखाई दे। सो उसके लिए अगर कोई प्लास्टर अगर उभरा हुआ है तो थोड़ा सा उसको निकाल सकते हैं ताकि विंडो आसानी से फिक्स हो जाए। सो आप देख पा रहे हैं कि अंदर की तरफ थोड़ा सा प्लास्टर उभरा हुआ है और थोड़ा सा अगर उसे काट देंगे जो कि एक्स्ट्रा होता है तो उसके बाद विंडो आराम से फिक्स हो जाती है। और जैसे ही विंडो को लगा दिया जाता है उसके बाद नंबर आता है फास्टनर्स लगाने का। सो आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऊपर का जो पोर्शन है वो फिक्स पार्ट है, फिक्स पार्ट में एडजस्ट फैन को लगाया जाएगा। सो सबसे पहले ऊपर का जो पोर्शन है उसमें फास्टनर लगाते हैं। फास्टनर लगाने के बाद उसका अलाइनमेंट किया जाता है और विंडो को सीधा करके फिर नीचे के फास्टनर को लगाया जाना चाहिए। सो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले सबसे ऊपर के पोर्शन में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के फास्टनर को लगा दिया है और उसके बाद अभी जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें फास्टनर लगा दिए जाएंगे। और एक विंडो में कम से कम नीचे के पोर्शन में चार और ऊपर के पोर्शन में तीन फास्टनर यानी कि 7 से 8 फास्टनर जरूरी है ताकि विंडो कभी भी वाइब्रेट नहीं करेगी और जो उसका पल्ला है आराम से बंद होगा। सो भी देख पा रहे हैं कि नीचे के दोनों फास्टनर लगा दिए गए, होल किए जा रहे हैं और होल करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ड्रिल मशीन है वो अच्छी तरह से चलाइए ताकि अगर कोई टाइल वगैरह है या पत्थर है तो वो क्रैक ना हो। और बहुत ही आराम से यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे क्लाइंट का नुकसान होता है। और लेफ्ट और राइट लगाने के बाद फिर नीचे के फास्टनर को लगाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर नीचे पत्थर का टुकड़ा लगा हुआ है इसलिए उसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होता है और उसमें आराम से होल हो जाता है, लेकिन होल करते समय सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए ताकि वो स्लिप भी ना हो और जो पत्थर है वो भी क्रैक ना हो। सो पहले धीरे धीरे और फिर अच्छी तरह से उसमें होल करना चाहिए और होल करने के बाद वहाँ पर ज़रूरी है कि कम से कम 4 इंच का यानी कि 100 mm का फास्टनर को लगाया जाए। और फास्टनर को लगाने के बाद उसके जो स्क्रू हैं वो अच्छी तरह से कस दिए जाए और एक भी स्क्रू लूज ना छोड़े और स्क्रू का हमेशा ध्यान रखें कि वो फ्रेम के अंदर जाए, क्योंकि अगर फ्रेम के अंदर नहीं जाएगा तो उसके ऊपर जो फास्टनर कैप है वो नहीं लग पाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ्रेम के अंदर जो रेइंफोर्समेंट है वो उल्टी डाल देते हैं और उल्टी डालने के बाद उसका जो स्क्रू है वो अंदर तक नहीं जाता है और फास्टनर वहाँ पर फास्टनर का जो कैप है वो नहीं लग पाता। इसलिए ज़रूरी है कि सही तरीके से रेइंफोर्समेंट डाला जाए अंदर और उसके ऊपर फास्टनर कैप अच्छी तरह से लग जाए। सो हमने सारे नीचे के फास्टनर लगाने के बाद जो ऊपर के फास्टनर रह रहे थे वो भी लगा दिए हैं और दोनों फास्टनर लगाने के बाद अच्छी तरह से उसको स्क्रू को कस देना चाहिए और स्क्रू लगाने के बाद फिर उसमें फास्टनर कैप को लगाया जाना चाहिए। सो आप देख पा रहे हैं कि सारे फास्टनर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और उनको अच्छी तरह से टाइट भी कर दिया गया है। और अब नंबर आता है ग्लास को लगाने का। सो बाथरूम की जो विंडो होती है हमेशा उसमें फ्रोस्टेड ग्लास का यूज़ करना चाहिए। फ्रोस्टेड ग्लास वैसे तो बहुत तरह के आते हैं लेकिन जनरली जो ग्लास है वो नॉर्मल एक सिंपल फ्रोस्टेड ही चलता है। अगर कोई डिजाइनर ग्लास को लगवाना चाहता है तो वो भी लगवा सकता है और अगर कोई मोटी थिकनेस का ग्लास लगाना चाहता है, कलर लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है। और प्लेन ग्लास के ऊपर अगर कोई फिल्म को लगाना चाहता है तो फिल्म भी लगा सकते हैं। आजकल बहुत सी अच्छी अच्छी डिजाइन की फिल्म आती है जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट मिल जाती है। सो अगर आप चाहें तो उनका भी यूज कर सकते हैं। सो जो ग्लास है वो फ्रोस्टेड होता है, साथ में टफन भी होना चाहिए क्योंकि अगर टफन नहीं होगा और उसमें फ़ैन का होल होगा तो वह टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जिस ग्लास में अगर फ़ैन का होल है तो उसे टफन ज़रूर होना चाहिए। सो यहाँ पे अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से टाइट कर दिया गया है और जितनी भी बीटिंग्स है उनको लगा दिया गया है। और बीटिंग लगाने के बाद यहाँ पर अब हैंडल को लगाया जा रहा है। सो यहाँ पर टॉफिंग विंडो है इसलिए यहाँ पर कॉक्स पर हैंडल अच्छी तरह से चल जाएगा। सो इस तरह के हैंडल को अच्छी तरह से लगाना चाहिए। अच्छी तरह से लगा दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। और विंडो की खूबसूरती आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल टाइल के पीछे आई है इसलिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे अंदर और बाहर दोनों तरफ से सिलिकॉन किया जाएगा। सिलिकॉन करने के बाद जो भी गैप है वो सारे फिल हो जाएंगे।
सो आप देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत विंडो लग रही है और इसमें भी एडजस्टमेंट लग जाएगा, तो इसमें वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो जाएगा और कभी अगर खोलना भी चाहें तो जो पल्ला है वो आराम से टॉफिंग वाला पल्ला है, आराम से अंदर से खोल सकते हैं ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा और सफाई भी करना चाहें तो आराम से सफाई हो सकती है क्योंकि ये दोनों तरफ से खुली हुई है और ये इसकी बाहर से पिक्चर है और दूसरी वाली पिक्चर ये अंदर से है। सो आप चाहें तो अपने घर में इस तरह की विंडो को लगवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तभी मुझे हौसला मिलता है कि ताकि इस तरह की मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और अगर आप UPVC की डोर और विंडो पर लगवाना भी चाहते हैं तो मैं उसको सप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 400 स्क्वायर फुट हो तभी और दिल्ली के 200 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में। साथ ही अगर आप UPVC के बिजनेस को भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नीचे चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो इस तरह की और भी नई नई जानकारियों के लिए आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।